हेप्तनोली और आप देख रहे हैं स्मार्ट जी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी में फोटोशॉप की सीसी वर्जन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर 2014 से लेकर 2022 तक कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा चैनल स्मार्ट जी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसमें आपको बहुत से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के तरीके मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो बहुत सी वीडियोज़ मैंने इस पर अपलोड की हुई हैं। कोरल ड्रा का अगर आपको नहीं पता डाउनलोड करने का तरीका तो आप देख सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें अपलोड की हुई हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग मैंने इसमें बताई हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप करना है गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी आपने टाइप करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट इनटू पीसी की पहली वेबसाइट यहाँ पे ये वाली https://getintopc.com ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा, एक इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। तो ये वेबसाइट है वो गेट इनटू पीसी। अब आपने यहाँ पर टाइप करना है फोटोशॉप आपने टाइप करने और साथ में सी सी भी आप टाइप कर दें। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशॉप सी सी 2020 फ्री डाउनलोड। इसके अलावा फोटोशॉप 2014 ये वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 की वर्जन अभी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। 2022 की वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2022 भी साथ में लिखना होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ 2014 वाली वर्जन पे और इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है, आपने अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये इसके अंदर का व्यू है, और थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं टेक्निकल सेटअप डिटेल देखते हैं। फोटोशॉप सेटअप का जो साइज़ है वो सिर्फ 586 MB है। सेटअप ऑफलाइन इंस्टॉलर है, यानी कि इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की ज़रूरत होगी, लेकिन इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद 32 बिट में भी चल जाता है और 64 बिट में भी चल जाता है, 32 बिट वर्जन में भी चल जाता है, 64 बिट वर्जन में भी चल जाता है। और नीचे और अब आगे आके देखते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 7 है फिर भी ठीक है, 8 है फिर भी ठीक है, 8.1 है फिर भी ठीक है, या 10 है फिर भी चलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लो एंड पीसी का बोला था शुरू में, तो रैम यहाँ पे देख सकते हैं 1 GB रैम रिक्वायर है, जो कि आजकल हर पीसी में होती है। 1 GB नहीं, हर पीसी में आजकल 6 से 8 GB तक रैम हर पीसी में मौजूद होती है। अगर वो भी नहीं है तो फिर 4 GB हर पीसी में मौजूद होती है। तो नीचे आते हैं, हार्ड डिस्क स्पेस सिर्फ 1 GB लेगा इंस्टॉल होने के बाद की स्पेस है, ये पहले की नहीं है, पहले की जो स्पेस है वो ऊपर है 586 MB की। तो उसके बाद प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल पेंटियम, ये आजकल किसी के पास भी नहीं है, सबके पास इससे अच्छे पीसी हैं पेंटियम के अलावा। आजकल लोगों के पास कोर में, आपको लोगों को लोगों के पास सबके पास कोर में होते हैं, कोर टू डू भी है, तो फिर भी ज़बरदस्त है आपके पास चलेगा। और डिस्प्ले सेटिंग वही सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का बटन ये है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद जैसे क्लिक करेंगे न्यू टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। न्यू टैब पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ चल रही है, ये चलती रहेगी और नीचे डाउनलोडिंग अब लग जाएगी। तो कुछ देर सब्र करें, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। मैं यहाँ पे सेव फाइल पे क्लिक करता हूँ। सेव फाइल पे क्लिक कर देने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोडिंग पे लग चुका है। यहाँ पे मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा है, तो आपके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अब तक आसानी के साथ पहुँच सके ऊपर नोटिफिकेशन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।